वो थार तुमको भाऊ के उसको ना भाऊ देख देख वो प्रोटेक्शन में सुधर से किस तरह खड़ा है देख। ये पॉटी कौन कराता कौन है जो गलत उसको भौंकता है फिर। हे गाइस गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा आप सभी को, तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए एकदम फ्रेश वीडियो में। तो टाइम देख रहा हूँ टाइम हो रहा है 10:00 5 मिनट बाकी है और तब में आँख ही नहीं खुल रही है, आँख की इतनी नींद आ रही है, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना सोने वाला अच्छी अच्छी मतलब हल्की हल्की ठंडी ठंडी मध्यम मध्यम हवा चल रही है। वाह सोने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है जबरदस्ती। अभी गया था ना अंगूठा फिंगर लगाने राशन कार्ड में, उसकी वजह से राशन नहीं मिल रहा था ना, उसको फिंगर लगाने गए थे हम सब लोग, तभी से जग रहे हैं। जबरदस्ती उठ गया ना सर, थोड़ा भारी भारी लग रहा है। अभी तक तो मैं तो सो ही रहा था, पूरा एक डेढ़ घंटा सोता। गुड्डू आके सो गया, ये लड़की भी अभी तक सो ही रही थी, अब जाके मोबाइल उठाई है तो जाओ। इसको सर्दी हो गई, इसको छूना बेकार है। सर्दी हो गई सर्दी। बाबूजी इसको भी नींद, सो जाओ। थोर कल थोड़ा लेट हो गया था, पूरा एक घंटा लेट हो गया था, 4 बजे वीडियो आई थी, 4:05 या 10 मिनट में। तो आज वैसा नहीं करना, 3 बजे ही वीडियो लानी है, कोशिश करनी है कि 3 बजे तक आ जाए। तो इधर मम्मी भी आ चुकी है, इधर ब्रावो भी आ चुका है। व्हाट ब्रावो व्हाट डूइंग? पैसा 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 ना हम आ बैठ क्या हो जाता है मस्त से बैठ जाते, इसकी मार खाने से बचने के लिए। वो थार तुमको भाऊ के उसको ना भाऊ देख देख वो प्रोटेक्शन में, उसको देखते किस तरह खड़ा है देख कितना खड़ा है उसके प्रोटेक्शन में। उसको इससे मतलब नहीं है, पॉटी कौन कराता कौन है, जो गलत उसको भौंकता है फिर। हाँ वो को भौंक देता है और वो गलत करती है, हम लोग को जैसे मारने लगते तभी भौंकता है। अपन हो गया रेडी, इसका नाश्ता हो गया कंप्लीट, अब ये भागेगा तुरंत क्लिनिक। क्यों तो नाश्ते में क्या है, सेम नाश्ते में इसके था सेम मेरे। और साथ में क्या नाश्ते? अंडे ब्रेड और ये पार ले जी, आज मेरे चाय के साथ। चाय के साथ ये पार ले जाते हैं चाय में, ठीक। इसमें ढेर सारा बटर लगा हुआ है, देख लो बटर कितना चमचना रहा है, सिर्फ एक ही तरफ लगा है। यह है शारदा, तो ये रहा हमारे घर का आज का दोपहर का खाना। इसे गेस करके बता सकते हो क्या है? बोटी नहीं है बस इतना समझ लो। हमारे यहाँ सावन नहीं बनता बोटी, मतलब बोटी तो नहीं बनता पर हम खा जाते हैं बाहर, खा आते हैं बाहर। ये है कटहल और ये एकदम एकदम बकवास कटहल बना हुआ है, अच्छा बना है, मुझे अच्छा नहीं, एकदम पानी पानी है, देख लो एकदम पानी पानी कटहल है। आज सब्जी में पानी पानी पानी, तुम बताओ मालिक, तुम बताओ तुम बताओ, मम्मी बनाने वाले पूछ लेते, तुम बताओ बनाने वाला कब गया खराब है। पर आज बात तो अच्छा नहीं है, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा था खाना बनाते, इस पैसा ईमानदार मदद बोलो, ईमानदारी बोलो।
अच्छा के लिए खिला रहा हूँ, अच्छे के लिए खिला रहा हूँ, अच्छे के लिए। गाइस आप ही लोग बता दीजिए कैसे बना हुआ। गाइस जिसको देख लो जुलम किस तरह बैठा हुआ है, ये देखो मम्मी का वेट कर रहा है, मम्मी चली गई ना बाजार, अब उन्हीं का वेट कर रहा है। देखो मुंह किस तरह बना हुआ है इसका, सीधा गेट के पास नजर लगी इसकी, गेट के पास की नजर लगी, कहाँ बाहर मम्मी कहाँ बाहर। देखो बाबू मम्मी चली गई ना, चिज्जी लेने गई मम्मी, चीज लेने गई थोर के लिए, अभी आ रही होंगी, अभी आ रही होंगी ना। आज थोड़ा मार भी खाया, अभी बदतमीजी कर दिया था, झुका जा रहा है एकदम नीचे, झुका जा रहा है, गुर्रा रहा है। गाइस आज हमारी मम्मी जी खाना बना रही है कि शारदा को सर्दी हो गई है थोड़ी सी। ये देखो मम्मी जी लगी हुई हैं, बहुत दिनों बाद घर में खाना बना रहे हो मम्मी, बहुत दिनों बाद ना। क्या क्या प्याज जल रहा है, प्याज जल रहा है, और शारदा से मिलते उसको क्या हो गया है, उसको जुखाम हो गई है, जुखाम। भैया भैया टीवी चल रही है, ए? टीवी देखा जा रहा है, क्या बुखार है का? बुखार तो है, थोड़ा थोड़ा बुखार है लड़की को, मतलब जुखाम हो गया। मुझको बड़ा कहते थे जुखाम जुखाम जुखाम, खुद कहो गए तीन चार बार हो गए। गाइस मम्मी जा रहे हैं अपनी उंगली बैठाने, चल रहा सिस्टम। होएगा मम्मी पक्का, ऐसा बहुत दर्द कर रहा है मम्मी, चेहरा देख रहे हो, पता नहीं कैसे होगा, मुझे खून ही समझ में आता है। एक प्रकार के डॉक्टर हैं, पहले भी गांव में जब हम लोग थे ना तब भी इनसे बहुत लोग आता था इलाज करवाने, कई प्रकार के इलाज आते थे मम्मी को, पेट भी बैठा लेती हैं। चिल्का थी का? तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं से एंड कर देते हैं, वीडियो को अच्छी लगी कमेंट कर दीजिए, जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।